ये है मेरे पास एक खराब स्क्रू ड्राइवर मशीन, और भाई आपको यकीन नहीं होगा ये आपके हजारों रुपए बचा सकती है। अगर आपके पास खराब ड्रिल मशीन नहीं है तो किसी मिस्त्री से ले लेना या फिर किसी दुकानदार से खराब ड्रिल मशीन ले लेना, क्योंकि यार भाई ये जो ड्रिल मशीन है पुरानी वाली आपको मिल जाएगी 200 से 300 रुपए के आसपास, लेकिन भाई ये हमारे हजारों रुपए बचा कर जाने वाली है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है और आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाला। तो चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर, चलो। तो सबसे पहले हमारी मशीन को ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्रू दिए गए हैं, इनको वन बाय वन करके फटाफट से खोल लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी मशीन ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये जल चुकी है और इसका जो आर्मेचर है वो भी जल चुका है। अगर इन दोनों को हम नया डलवाते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है और ये जो मशीन है खुद ही 1300 से 1400 रुपए की है। अब हमारा जुगाड़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर देख सकते हो ये स्विच है और ये जो सारी वायरिंग सब बाहर निकालेंगे, ये आर्मेचर और ये सारा सिस्टम बाहर की साइड में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये फील्ड वाइंडिंग निकाल लिया है, आर्मेचर निकाल लिया है, स्विच निकाल लिया है और ये हमारा जो देख सकते हो गियरबॉक्स जो होता है ना, ये वाला यहाँ पर गियरबॉक्स भी निकाल लिया है। गियरबॉक्स क्या काम करता है भाई, जब हमारा आर्मेचर चलता है तो ये काफी स्पीड में चलता है, तो लेकिन हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वो इतनी ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती उसके अंदर। तो यहाँ पर एक तो स्पीड को कम करता है ये, और दूसरी बात की इसके अंदर टॉर्क बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये स्क्रू को ना तो खोल सकता है और ना यहाँ पर कस सकता है, तो यहाँ पर ये टॉर्क को भी बढ़ाता है। आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पर देखो जैसे हम इसको इसके अंदर लगाते ना, यहाँ पर देखो मैं आर्मेचर को इस टाइप से घुमा रहा हूँ, कितनी स्पीड से घुमा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देख सो चक कितनी धीरे धीरे घूम रहा है यहाँ पर देखो। और इसी जगह पर अगर मैं इस चक को पकड़ता हूं और यहां पर इसको घुमाता हूं कितनी स्पीड से घूमेगा देखना। देखो मैं इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूं और यहां पर चक कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इस फील्ड वाइंडिंग की स्विच की इनकी जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसको साइड में रख देंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो आर्मेचर दिख रहा है इस आर्मेचर को लेंगे और यहाँ पर इस टाइप से लगाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना यहाँ पर जो ये शाफ्ट जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो शाफ्ट दिख रही है यहाँ से, इसको यहाँ से हमें कट करना होगा, तो फटाफट से यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। रुकिए भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने देखा कि हमारी ड्रिल मशीन जो है गंदी हो रही है और दिखने में काफी ज्यादा बेकार दिखती है। इसी टाइप से हमारे टीथ होते हैं ना, ये अगर गंदे दिखते हैं तो लोगों के सामने जाने में बहुत ज्यादा शर्म आती है। इसके लिए मेरे पास अगारो की तरफ से आने वाला कॉस्मिक मैक्स सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश काफी ज्यादा यूनिक है। ये IPX7 वाटर प्रूफिंग के साथ में आता है, रिचार्जेबल है और 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसके अंदर मिलता है 5 क्लीनिंग मोड, 7 रिप्लेसमेंट हेड और 1 ट्रेवल केस। इसको फटाफट से ओपन करते हैं। इसके अंदर मिलता है हमें 7 हेड्स। अगर आपके घर के अंदर 7 इंसान है तो आप एक ही टूथब्रश को 7 लोग यूज कर सकते हो। एक चार्जिंग केबल और ये रहा हमारा केस जिसके अंदर हमारा मिलता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ये प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है और काफी ज्यादा प्यारा दिखता है। जैसे आप इसको ओपन करोगे इसके अंदर मिलता है हमें इलेक्ट्रिक टूथब्रश और एक साथ में यहाँ पर हेड भी मिलता है। यहाँ पर ऊपर की साइड में एक स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए और यहाँ पर हमें 5 मोड इंडिकेटर दिख जाते हैं और नीचे की साइड में चार्जिंग इंडिकेटर। इसके नीचे की साइड में आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिखेगा जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। अगर मोड को चेंज करना है तो आपको इसको जैसे आप क्लिक करते हो वापस से आपको क्लिक करना है, इसका मोड है ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। आपको 5 मोड जो मिलते हैं वो इस टाइप से मिलते हैं, व्हाइट, क्लीनिंग, सेंसिटिव, पॉलिश, मसाजिंग। जैसे हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टूथब्रश है ये काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है जिससे हमारा जो है टीथ काफी ज्यादा क्लीन हो जाते हैं। साथ ही में एक हेड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जब भी आप इसको यूज करके रखते हो तो इस टाइप से लगा सकते हो। इसे यूज करना काफी सिंपल है, हम यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट लगाएंगे, इसके बाद आपको जैसा भी मोड सुटेबल लगता है आप उसको ऑन कर सकते हो। यार इसे ब्रश करना काफी ज्यादा सिंपल सा लग रहा है और काफी मजा भी आ रहा है। देखिए भाइयों मेरे जो दांत है वो ज्यादा क्लीन हो चुके हैं और अब ज्यादा व्हाइट दिख रहे हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गियर है हमारा इसको मैंने यहाँ पर कट करके निकाल लिया आर्मेचर से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस गियर को यहाँ पर पीछे की साइड में वापस से अटैच कर देंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर देखो ये इस टाइप से घूम रहा है यहाँ पर। वैसे इसकी स्पीड देखिए यार, यहाँ पर इसको मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पर। और इसी टाइप से इसको घुमाएंगे ना तो देखो कितनी ज्यादा मैं स्पीड से घुमा रहा हूँ इसको, और यहाँ पर चक देखो कितने धीरे धीरे घूम रहा है। इसके अंदर लगवा पेलेनेट्री गियर सिस्टम जो कि काफी भी ज्यादा पावरफुल होता है भाई, और ये काफी कम जगह के अंदर भी फिट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो चक है इसको खोलेंगे और यहाँ पर मेरे पास स्क्रू ड्राइवर मशीन पड़ी एक और, तो इसको हम आगे साइड में इस टाइप से लगा देंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे इसे स्क्रू मशीन को घुमाएंगे ना तो यहाँ पर ये घूमने वाला, देखो तो यहाँ पर ये देखो शाफ्ट भी घूम रही है इसके अंदर की।
अब यहाँ पर इसके बीच में हम यहाँ पर मिडल में एक होल करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्कर से इसके बीच में एक मार्किंग करेंगे ताकि हमें पता लगे इसका मिडल पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जुगाड़ इसलिए किया कि मिडल में जो होल होगा ना वो बिल्कुल सेंटर में होगा इस जुगाड़ से। और यहाँ पर मेरे पास ड्रिल मशीन है तो चालू करेंगे। फाइनली यहाँ पर हमारा होल हो चुका है और ऐसे जुगाड़ मैंने इसलिए लगाया था कि इसके अंदर जो होल है वो बिल्कुल मिडल में हो और कोई भी बबलिंग ना हो इसके अंदर। अब हमें लेना होगा यहाँ पर एक डायनेमो मोटर, और ये जो थ्री फेज डायनेमो मोटर है ये दिखने में सेंसर डीसी मोटर जैसी दिखती है, लेकिन भाई इसका जो है पूरा काम जो मैकेनिज्म है वो सारा का सारा अलग है। सेंसर डीसी मोटर के अंदर हम यहाँ पर जब भी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर हमारे शाफ्ट घूमने वाली है, लेकिन इसके साथ में उल्टा है। यहाँ पर जब भी हम शाफ्ट घुमाएंगे तो यहाँ पर थ्री फेज हमें आउटपुट मिलने वाला है वोल्टेज, वो भी एसी करंट। तो यहाँ पर हमारा जो गियर है इस गियर को यहाँ पर इस टाइप से हम लगा देंगे, और यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से बनाया कि इसको ठोकेंगे तो फंस जाएगा। फाइनली यहाँ पर गियर को मैंने अच्छे से ठोक दिया और यहाँ पर ये फंस चुका है, अब ये निकलने वाला नहीं है। अब इसको यहाँ पर गियर बॉक्स के पीछे की साइड में हम लगा देंगे इस टाइप से। तो फाइनली का जब यहाँ पर इसको इस टाइप से फिट करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो मोटर दिख रही है डायनेमो मोटर यहाँ पर टच हो रही है और ये तिरछी हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको कट करना होगा। फाइनली यहाँ पर ये मोटर लग चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोटर है यहाँ पर ढीली है इस टाइप से देख सकते हो, और जब भी हम इसको घुमाएंगे तो पूरी मोटर घूम सकती है, तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स करना होगा। इसके लिए यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज करूंगा, यहाँ पर बहुत सारा ग्लू डाल दूंगा और उसके बाद रख दूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया है और ये काफी मजबूती से यहाँ पर लग चुकी है। अब जैसे इसको घुमाएंगे ना तो मोटर नहीं घूम रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये थ्री फेज डायनेमो है तो यहाँ पर तीन वायर निकले हुए हैं, तो हमें इसको यहाँ पर टू फेज में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए यहाँ पर मैं 6 डायोड का यूज करूंगा, इनका नंबर है IN5408। इनसे हमें एक थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। मैंने इन डायोड की जो एक्स्ट्रा लेग थी उनको कट कर दिया है, और यहाँ पर आप देखते हो इन सभी को जो है पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो मैंने एक साथ रखा है और नेगेटिव वाला को एक साथ रखा है। अब इन तीनों को हम इस टाइप से पास में रखकर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर तीन तीन के दो पेयर बना दिए हैं। अब यहाँ पर इनकी हमें सोल्डरिंग करनी होगी। सोल्डरिंग जो है काफी सिंपल सी, आपको मैं फटाफट से करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे डायोड्स है उन सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही लाइन में यहाँ पर, और इस वाले डायोड का भी देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में, और इन सभी के मैंने जो है यहाँ पर राइट साइड में सभी पॉजिटिव टर्मिनल को रखा और लेफ्ट साइड में जो हमने नेगेटिव टर्मिनल को रखा है, और इस टाइप से हम सोल्डरिंग कर देंगे इनको। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे और जितने भी डायोड के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है उनको एक साथ शॉर्ट कर देंगे। फाइनली अब यहाँ पर दो वायर लेंगे और जो यहाँ पर देख सकते हो जो सिल्वर कलर की पट्टी है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर रेड कलर का जो वायर है हम उसको लगा देंगे इस टाइप से। और ये जो बड़ी कलर की ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का वायर नेगेटिव टर्मिनल लगने वाला है। अब डायनेमो मोटर का जो वायर है काफी ज्यादा लंबा है तो इसको हम कट कर देंगे और इन तीनों वायर को हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर बना है उसके अंदर लगा देंगे। इसका कनेक्शन भी काफी सिंपल सा है भाइयों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। अब इस ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में आप देख सकते हो तीन पॉइंट आपको मिलेंगे, इन तीनों पॉइंट में इन तीनों वायर को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं इनको। फाइनली यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हो तीनों हमारे कनेक्शन लग चुके हैं। अभी यहाँ पर ये हमने क्यों लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये थ्री फेज जनरेट हो रहा है यहाँ पर, और जो हमारे घर के अंदर थ्री फेज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो भी सामान होते हैं वो सारे टू फेज के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया ताकि हमारा जो थ्री फेज है वो हम टू फेज में कन्वर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो डीसी में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे जो भी एसी में चलने वाली चीज है ना वो डीसी से नहीं चल सकती, लेकिन हमारे लाइट बल्ब हुए एलईडी बल्ब हुए ये सारे चल सकते हैं, आप इनको चला सकते हो, और हमारे मोबाइल का चार्जर हुआ वो भी आप इससे चला सकते हो अच्छी तरीके से। अगर आप चाहते हो कि हमें जो एसी गारंटी में टू फेज मिले तो यहाँ पर आप ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर डीसी को आप एसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर इसको ग्लू गन से यहाँ पर चिपका देंगे और हमारे पूरे मशीन जो है इसको वापस से पैक कर देंगे।
तो फाइनली गाइस यहाँ पर मशीन को हमने पैक कर दिया है और ये हमारा एक काफी पावरफुल सा जनरेटर बनके तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर ये आपको टाइम पास लग रहा होगा, लेकिन भाई आप अभी रुकिए, वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ ये मैंने क्यों बनाया और कैसे बनाया, मतलब क्या कारण से बनाया इसको। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने डीसी करंट के इसको अंदर सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो है ना हमारा जनरेटर, देखो कितनी कम स्पीड से घुमाऊंगा इसका वोल्टेज आप देखना। देखो मैंने इतना सा घुमाया और इसके अंदर 60 वोल्ट से ऊपर चला गया था। देखो वापिस से ये देखो हमारा 80 वोल्ट से ऊपर चला गया था भाई। देखो और देखो ये 130 है ना, 130 वोल्ट के आसपास चला गया था, 150 वोल्ट के आसपास। भाई 200 वोल्ट से ज्यादा जा रहा है यहां पर, तो हम यहां पर 1000 वोल्ट पे सेट करेंगे। देखो 220 वोल्ट पे चला गया था। तो भाई ये जो हमने जनरेटर बनाया ना, इसके अंदर लगे हुए यहाँ पर गियर सिस्टम, और ये जब जब चक घुमाते हैं तो हमारे जो अंदर का डायनामो है बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है, जिससे हमारा काफी अच्छा वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अब आप बोलोगे विशाल भाई इससे हम क्या करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, इस हाथ से घुमाते रहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो आप मोबाइल यहाँ पर चार्ज कर सकते हो और इसको है ना हैंडल लगा के घुमा सकते हो, आपका मोबाइल जो इमरजेंसी में चार्ज हो सकता है। अगर आप इसको इस टाइप से लगा दीजिए पोल के ऊपर और यहाँ पर लगा दीजिए एक फैन इस चक के अंदर, ये देखो चक जो है ना खुल जाएगा इस टाइप से, और चक के अंदर आप फैन लगा सकते हो और जब भी हवा चलेगी तो ये पवन चक्की की तरह काम करेगा और में ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, काफी धीरे धीरे देखो आराम से घूम रहा है यहाँ पर, आराम से, और आराम से घूमने के बावजूद यहाँ पर काफी अच्छा वोल्टेज निकाल रहा है। तो ये पवन चक्की की तरह काम कर सकता है, जिससे आपकी जो बैटरी चार्ज कर सकते हो, आप इन्वर्टर में लगा सकते हो उसको। तो अभी यहाँ पर क्या है भाइयों कि हम इसको एक ड्रिल मशीन से चलाकर देखेंगे, ताकि हमें पता लगे कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना निकल रहा है। और भाइयों आप इसको जो साइकिल के जो टायर है वहां पर भी लगा सकते हो, और साइकिल जब चलेगी तो हमारे ये काफी अच्छा खासा वोल्टेज निकाल सकती है, और इससे आप बैटरी चार्ज कर सकते हो, आप किसी भी यूज में ले सकते हो इसको। अभी यहां पर देखो मैं इसको चलाता हूं, देखो कितनी धीरे चल रही है, लेकिन वोल्टेज देखिए इसका इतनी धीरे आरपीएम पे भी यहां पर देखिए 220 वोल्ट के आसपास निकाल रहा है भाई साहब। 500 वोल्ट तक चला गया था यार, वापस चलाते हैं, काफी ज्यादा वोल्टेज निकल रहा है यार। भाई साहब 300 वोल्ट के आसपास चला गया था यार, देखो वापस से चलाते हैं इसको। भाई साहब बहुत ज्यादा निकल रहा है यार, बहुत ज्यादा 300 वोल्ट तक चला गया है, 300-350 वोल्ट तक। अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको चलाते हो ज्यादा आरपीएम पे, तो यहाँ पर हाथ नहीं लगाना इसके अंदर, वरना ये क्या है भाइयों कि आपको बहुत भयंकर झटका दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर 300 वोल्ट तक निकल रहा है। अब इसे कुछ चला कर देखते हैं, मेरे पास एक होल्डर है, इस होल्डर को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके अंदर। यहाँ पर एक 15 वाट का एलईडी लाइट है और ये जो है 220 वोल्ट पे चलता है, तो यहाँ पर इसको लगाते हैं हम। भाई साहब देखिए यार हमारा जो एलईडी लाइट है ना वो काफी अच्छे से ग्लो कर रहा है और काफी रोशनी पर, देखिए भाई साहब देखो मैंने अभी पूरा जो है इसको बटन नहीं दबाया, अगर पूरा दबा दूंगा तो हो सकता है ये खराब हो सकता है हमारा बल्ब, इसलिए मैं पूरा नहीं दबा रहा हूँ। भाई साहब देखिए पूरी रोशनी पे चल रहा है, पूरे कमरे के अंदर हमने लाइट बंद कर दी है फिर भी काफी अच्छे से चल रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा यार। अब यहाँ पर एक 100 वाट का लट्टू है, इसको जलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको खोल देंगे और इस जगह पर इसको लगा देंगे, अब देखते हैं क्या ये जलता है कि नहीं जलता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर रख देंगे इस टाइप से, तो चालू करता हूँ इसे। ओ भाई साहब जल गया। ओ भाई साहब देखो, ओ भाई साहब यार ये 100 वाट का लट्टू भी जल गया इससे। अभी लाइट बंद करके दिखाते हैं आपको, अभी लाइट बंद कर दी मैंने, अभी आपको अच्छे से दिखेगा देखना वापस से। देखो ओ 100 वाट का लट्टू जल रहा है यार, भाई साहब मैंने सोचा नहीं था यार 100 वाट का लट्टू वो भी आराम से जल रहा है और काफी रोशनी के साथ जल रहा है, गर्म हो गया लट्टू हमारा। वापिस चलाते हैं भाई साहब, यार 100 वाट का लट्टू जला दिया। यहाँ पर जो एलईडी बल्ब है ना ये हमारा 15 वाट का होता है, तो यहाँ पर देखो 100 वाट का बल्ब जो है पूरी रोशनी के साथ में जला है इसने, तो मतलब काफी पावरफुल है।
अभी हमारे घर के अंदर ये 100 वाट के लट्टू तो जलते नहीं है, हमारे यहाँ पर 10 वाट 9 वाट 15 वाट की ऐसे लाइट चलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस टाइप के जो बल्ब है हमारे कितने जला सकते हैं इसके अंदर। अगर मान लीजिए हमारे 10 वाट का LED बल्ब है तो आप इसी से जो है 10 बल्ब एक साथ चला सकते हो। अगर आप 15 वाट के चला रहे हो तो लगभग इसके अंदर 6 से 7 जो हमारे लाइट है बल्ब है वो आप आराम से चला सकते हो। और भाई अभी हमने यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगाया इसके अंदर, हो सकता है कि ये और भी ज्यादा करंट निकाले, तो हो सकता है ये 100 वाट की जगह पर 200 वाट निकाल ले। तो ये काफी पावरफुल है और देख सकते हो भाई हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमारे जो गियर बॉक्स है इसका यूज किया है और इस हमारी पूरी बॉडी का यूज किया है। और हमारा जनरेटर जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।